जय श्री राम। तो चलिए रामायण का पाठ हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रामायण रोज़ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संध्या राजगौर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो आप पर डे रामायण सुन सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के द्वारा आप अपने ओपिनियन भी बता सकते हैं, और मेरा फेसबुक पेज संध्या राजगौर उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम वो भी संध्या राजगौर के नाम से है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए रामायण का पाठ शुरू करते हैं हम आज का। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बल, धरऊ नाम ही हेरी हर सिउहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुखद देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मान सिद्धे जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा ब्रस के तुसि आवर। रामचंद्र शंकर हरि ओम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लिए सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अघाधु, वेद पुराने उदत धन साधु। बर सही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वस्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करे मल्लहानि। प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वस्वरूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मधि मेधा महिंगत सो जल पावन, सकली सिरवन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह राम स्वस्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया।